जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कुल दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। एक का नाम है स्वर्ड एज फाइनेंशियल लिमिटेड और दूसरे का नाम है MSP स्टील और पावर लिमिटेड कंपनी। मैं बताऊंगा एक्चुअली में इन दोनों कंपनियों में चल क्या रहा है और आगे इसमें क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। यह भी बताऊंगा कि अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपकी आगे की रणनीति अब क्या होनी चाहिए, तथा अगर कोई नया व्यक्ति इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में एकदम आसान भाषा मिलेगा, बस आप लास्ट तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं स्वर्ड एज फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी से। देखिए, स्वर्ड एज फाइनेंशियल लिमिटेड जैसे नाम से स्पष्ट है कि यह फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और NBFC कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये उस तरह की कंपनियां होती हैं जो बैंक की तरह काम करती हैं और आसानी से लोन वोन आपको प्रोवाइड करा देती हैं अगर आपको कोई बिजनेस ओपन करना है तब। अब समझिए, इसका मार्केट कैप है 16,72,00,000 रुपया। देखिए, मार्केट कैप शेयर प्राइस के बढ़ने और कम होने से घटते बढ़ते रहता है। पिछली बार जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था उस समय इसका मार्केट कैप 17 करोड़ से अधिक था। अभी शेयर प्राइस कम होने से मार्केट कैप भी कम हो गया है। शेयर प्राइस से 77 पैसा, जबकि पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय तकरीबन इसका शेयर प्राइस 80 पैसा के आसपास था। तो आप देख रहे हैं कि शेयर प्राइस धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है और आज भी देखेंगे तो इसमें 2.13% की गिरावट हुई है। अब इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, अब समझिए। अभी जैसे यह स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले एक माह से, कंसोलिडेशन रेंज में है, और जब कंसोलिडेशन रेंज में रहता है तो उसमें तेज़ी आना बंद हो जाता है। देखेंगे तो 76 पैसा से लेकर 86 पैसा के बीच में इस स्टॉक का प्राइस पिछले कई दिनों से रह रहा है। तो अब हमें इंतजार करना होगा कंसोलिडेशन से बाहर निकलने का। उम्मीद है कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, जैसा कि अमूमन ज़्यादातर स्टॉक का ऐसा ही होता है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद स्टॉक और डाउन जाने लगता है तो ये भारी चिंता की बात हो जाएगी शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर आपको याद होगा तो इसने फरवरी में बोनस भी दिया था, 1:1 के रेशियो में इसने बोनस दिया था फरवरी में। और उसके पहले देखें तो अक्टूबर में, यानी 2021 के अक्टूबर में इसने शेयर स्प्लिट भी किया था 1:10 के रेशियो में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी बोनस इशू करती है या शेयर स्प्लिट देती है तो कंपनियों का शेयर प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और इतनी जल्दी जल्दी जब कोई कंपनी बोनस और शेयर स्प्लिट दे रही है, वो भी एक छोटी कंपनी, तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस में डाउनफॉल आएगा। और बाकी ओवरऑल देखें तो मार्केट भी थोड़ा डाउन जा ही रहा है। तो इन सब कारणों से, इन सब वजहों से शेयर प्राइस अभी निगेटिव में है, डाउन जा रहा है। अब यहाँ समझिए, शेयर प्राइस ऊपर कब आएगा, अचानक से जब इसमें कोई बल्क डील हो जाए। बल्क डील मतलब कोई बड़ी कंपनी या कुछ बड़े प्रमोटर्स इस कंपनी के शेयर्स को बाई कर लें, तो अभी अचानक से शेयर में तेजी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी संभावना अभी कम होते हुए दिख रही है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं दिख रहा है। और अगर आज भी आप देखेंगे तो इसमें बाइंग प्रेशर कम ही देखने को मिल रहा है। आज लगभग 4,59,000 लोग बाई करने के लिए देखें, जबकि बेचने के लिए 13,68,000 लोग देखें। बेचने वालों की संख्या अधिक है और जब तक सेलिंग प्रेशर अधिक रहेगा शेयर प्राइस पर दबाव बना रहेगा, डाउन जाते रहेगा। अब समझिए, दो चीज़ें बताता हूँ, एक अच्छा चीज़ और एक बुरा चीज़। अच्छा चीज़ कंपनी में यह है कि इसका बुक वैल्यू अभी भी 1 रुपया के आसपास है, 1 रुपया से अधिक ही है, और शेयर प्राइस देखिए 1 रुपया से कम है, यानी कि शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट टाइम है। दूसरी बात, इसका ROE ROC दोनों पॉजिटिव में है, जबकि इसका शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम है और फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ ठीक नहीं है, तो इसका ROC ROE दोनों निगेटिव होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए एज ए शेयर होल्डर अच्छी बात है कि दोनों पॉजिटिव में है, तो ये दो पॉइंट अच्छा बात है। लेकिन निगेटिव बात यह है कि इसमें प्रमोटर्स नहीं है, यानी कंपनी के मालिक नहीं है, सिर्फ पब्लिक के पास पूरा का पूरा 100% शेयर्स पड़ा हुआ है। तो इसमें आसानी से ऑपरेटर्स गेम खेल सकते हैं। और दूसरी चिंता की बात यह है कि कंपनी पर कर्जा बहुत अधिक है। देखिए, 18,77,00,000 का कंपनी पर कर्ज है, जबकि आप देखेंगे इसका मार्केट कैप 16,72,00,000 का ही है, यानी कि इसके वैल्यूएशन से अधिक इसके ऊपर कर्जा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई नया व्यक्ति इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसे नहीं लेना चाहिए, उसको नुकसान होगा। और आपका पहले से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप इंतजार करते रहिए, थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो बेच के निकल जाइए। आप नया एंट्री तब लीजिएगा जब इस कंपनी का कर्जा इसके मार्केट कैप से कम हो जाएगा और देखिए थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता हुआ दिखे, तब इसमें फिर से आइएगा। उम्मीद करता हूँ इस कंपनी के बारे में आपको सटीक जानकारी मिल गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी का नाम है MSP स्टील और पावर लिमिटेड कंपनी। MSP स्टील से नाम है कि आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चर और सेल्स का काम करती है। भारत में स्टील बनाने वाली कंपनियों का क्रेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और यह ऐसा बिजनेस है कि इसका डिमांड हमेशा रहेगा। दूसरा काम, पावर जनरेशन का बिजनेस करती है, यानी कि बिजली बनाने का काम करती है। यहाँ पावर जनरेशन सामर्थ्य पर हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट से है, न कि यह ग्रीन एनर्जी से बिजली नहीं बनाती है। ओके, अब इस कंपनी के बारे में समझिए। इसका मार्केट कैप है 520 करोड़ रुपया, यानी कि इसको एक स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं। शेयर प्राइस देखेंगे 13.50 रुपया है और आज के दिन देखेंगे तो 2.88% की गिरावट इसमें देखने को मिली। हालांकि गिरावट का दौर इसमें भी लगातार जारी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये मार्केट के निगेटिव सेंटीमेंट की वजह से गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और बिजनेस मॉडल तो जैसे मैंने बताया ठीक है, इसलिए अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो ज़्यादा आपको चिंता, डरने या घबराने की बात नहीं है। इसका अभी शेयर प्राइस डाउन जा रहा है तो सपोर्ट लेवल जान जाइए। सपोर्ट लेवल रहेगा पहला 12.80 रुपये का और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 10.45 रुपये का। हालांकि यहां तक आने के चांसेस कम है, यहां तक आ सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे शेयर प्राइस जाता है तो चिंता की बात होगी।
और रेजिस्टेंस लेवल जान जाए, रेजिस्टेंस लेवल है 15 रुपया, लेकिन मान के चलिए कि अभी शेयर प्राइस अभी थोड़ा और डाउन ही आएगा। अब देखिए इस कंपनी के बारे में जो अच्छी चीज़ें वो बताता हूँ। अच्छी चीज़ यह है कि इसका बुक वैल्यू है 15 रुपया 80 पैसा, यानी कि अपने इसका जो शेयर प्राइस है अभी बुक वैल्यू से बहुत कम है, और बुक वैल्यू सामान्यतः जो छोटी कंपनियाँ होती है उसका 1-2 रुपये के आसपास होता है, लेकिन इसका लगभग 16 रुपये के आसपास है, जो काफ़ी शानदार है। और इसका पी रेशियो भी बहुत कम है। तो देखिए किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू अधिक होना चाहिए और पी रेशियो कम होना चाहिए। इसका पी रेशियो 23 के आसपास है, जो ठीक है, यानी कि अभी इसमें एंट्री लेने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। अगर कोई नया व्यक्ति है इसमें आना चाहता है, इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहता है, तो उसके लिए परफेक्ट टाइम आ सकता है। इस कंपनी का आर ओ आर ओ सी दोनों पॉजिटिव है, यह भी ठीक है। अच्छी बात यह है कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स, पब्लिक, FII, DII सबकी हिस्सेदारी है, और जब सबकी हिस्सेदारी किसी एक कंपनी में हो तो उसे बहुत परफेक्ट माना जाता है। हालांकि FII की हिस्सेदारी थोड़ी कम है, बहुत कम है, लेकिन है यह भी तो प्लस पॉइंट है। और निगेटिव बात यह है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत अधिक है, 739 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि इसके मार्केट कैप से अधिक है, लेकिन इसका जो कर्जा है धीरे धीरे कम हो रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी अपने कर्जे को लगातार कम कर रही है, और इसके पास रिजर्व भी है 225 करोड़ का, और रिजर्व कंपनी का क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब कंपनी का रिजर्व इसके कर्जे से अधिक हो जाएगा, कर्जा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जिस कंपनी में कर्जा रहे लेकिन कर्जा कम हो रहा हो लगातार, तो वो ठीक माना जाता है और ठीक होता ही है। और एक अच्छी बात यह भी है कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, हर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो उम्मीद है क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आने वाला है वो भी अच्छा ही आएगा। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो बेशक इसको लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखिए, आपको आने वाले समय में तगड़ा मुनाफा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मैं जो बताना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसको कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।